फ्रेंड्स, तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अलोन और लोनली में क्या फर्क है। आप कहते हैं कि दोनों का मतलब अकेला, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं कि कब हमको अलोन बोलना है और कब हमको लोनली बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत छोटा कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। आइए सबसे पहले देखें कि अलोन का क्या इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, वर्ड अलोन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई इंसान या सामान तन्हा है या अकेला है। जैसे अगर मैं कमरे में अकेला हूँ तो मैं अलोन का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं कमरे में अकेला हूँ तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा आई एम अलोन इन द रूम। अगर आपको कहना हो कि वो ऑफिस में अकेला था तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज अलोन इन द ऑफिस। अगर आपको कहना हो वह बगीचे में अकेला है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज अलोन इन द गार्डन। तो फ्रेंड्स, अलोन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये कहना हो कि हमारे आस पास कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। आइए फ्रेंड्स देखें कि लोनली का इस्तेमाल कब करेंगे। फ्रेंड्स, लोनली मतलब होता है तन्हा या अकेला, लेकिन इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप अंदर से तन्हा या अकेला महसूस करें। यानी कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी पार्टी में गए जहां आपके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके जान पहचान का कोई नहीं है, तो आप वहाँ पर तन्हा फील करते हैं या अकेला फील करते हैं। आपके अगल बगल पब्लिक तो है, फिर भी आप तन्हा फील करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप अलोन का नहीं बल्कि लोनली का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि लोनली का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान वहाँ पर अकेला है या उसके अगल बगल कोई नहीं है, बल्कि लोनली का मतलब ये होता कि कोई इंसान तनहा महसूस कर रहा है या अकेलापन महसूस कर रहा है। जैसे मैं यहाँ तुम्हारे बिना अकेला हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम लोनली हियर विदाउट यू। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का सेंस हुआ कि मेरे अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम नहीं हो तो इसलिए मैं तन्हा फील कर रहा हूँ या मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर आपको कहना हो कि मैं पार्टी में तन्हा था या मैं पार्टी में अकेलापन महसूस किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज लोनली इन द पार्टी। यानी उस पार्टी में मैं अकेलापन महसूस किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अलोन और लोनली में फर्क समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।